फुल इंजन का काम होने के बाद 600 से 700 किलोमीटर पे बाइक धुआं मार दिया, व्हाइट स्मोक देने लगा। बाइक सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर चलने के बाद बाइक धुआं दे दिया था। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक का ब्लॉक किट है, और ये हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, सिटी डिलक्स, एचएफ डिलक्स, इन सभी बाइक का ये ब्लॉक असेंबल है। और इस बाइक का ब्लॉक जो है सो कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ था कहीं दूसरे मैकेनिक के पास, यानी कि बाइक का इंजन का काम होता, फुल इंजन का काम होता। इस बाइक का जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो मेरे पास आया बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए। हम लोग भी बाइक का इंजन का जब काम करते हैं उस टाइम 500 से 1000 किलोमीटर पे बोलते हैं क्लाइंट को इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, लेकिन अधिकतर बोलते हैं कि 500 और 700 किलोमीटर के बीच में फर्स्ट बार इंजन ऑयल चेंज कर लीजिएगा। इंजन बनाने के बाद, इंजन का काम होने के बाद बहुत मैकेनिक बोलता है कि 1000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज कर दीजिएगा, लेकिन इस बाइक का इंजन ऑयल चेंज करने के लिए आया था कितना किलोमीटर, 700 किलोमीटर पे इस बाइक का इंजन ऑयल चेंज करने के लिए आया था मेरे पास। स्टार्ट किया तो इंजन झरझर झरझर का काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। उसी टाइम मुझे पता चला कि इंजन का, इंजन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि इंजन का इतना ज़्यादा खराब साउंड है। सबसे पहले जैसे हमने इंजन ऑयल का नट चेक ओपन किए, एक बूंद भी इंजन के अंदर से इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं निकला। तो ऐसा क्या हो गया बाइक के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ 700 पे पूरा मोबिल पी लिया, पूरा इंजन ऑयल पी लिया बाइक, यानी कि व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ इंजन बनाने के बाद भी। इसमें आपको 3-4 प्रॉब्लम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर ले बाइक का इंजन बनाने के बाद, इंजन का काम करने के बाद आप बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं इंजन का काम करने के बाद आप बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं अगर लोकल इंजन ऑयल डाल करके बाइक को स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद ही इसके ब्लॉक पिस्टन के ऊपर रिंग लगा है घिस जाएगा और बाइक आपका व्हाइट स्मोक मार देगा। दूसरा हो गया कि आप ब्लॉक बाइक के अंदर कौन सा ब्लॉक किट यूज करते हैं, जेन्युइन यूज करते हैं या फिर वेंडर वाले यूज करते हैं, फिर लोकल ब्लॉक किट यूज करते हैं। अगर लोकल ब्लॉक किट यूज कीजिए उसके प्रॉब्लम से बाइक धुआं मार देगा। तीसरा प्रॉब्लम हो गया कि बाइक का एयर फिल्टर, अगर आप इंजन का काम करने के बाद एयर फिल्टर को क्लीन नहीं कीजिएगा तो भी आपका बाइक व्हाइट स्मोक देने का प्रॉब्लम, इन ब्लॉक फेल होने का प्रॉब्लम, बाइक धुआं देने लगा इंजन काम करने के बाद। चौथा और मोस्ट जो हो गया प्रॉब्लम, बाइक का आप ड्राइव किस तरह से करते हैं, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर इंजन का काम होने के बाद आप बाइक को ड्राइव किस तरह से करते हैं। बाइक का इंजन का काम होने के बाद आप समथिंग ज़्यादा नहीं 500 से 700 किलोमीटर तक, जब तक आप बाइक का फर्स्ट बार इंजन ऑयल चेंज नहीं कर देते उस टाइम तक आपको बाइक को सिर्फ और सिर्फ समथिंग देख लीजिए 40 से 50 के स्पीड में ड्राइव करना है। इससे क्या होगा, बाइक का जब इंजन जो असेंबल होता है उसमें तो कुछ पार्ट पुराना रह जाता है, कुछ पार्ट नया रहता है। ये नहीं कि नया बाइक हम टेंट करवा के लाया है सर्विस सेंटर से, नया बाइक परचेज किया तो उसमें हर एक कल पुर्जा नया रहता, उसको कैसे भी चले तो धुआं नहीं देगा बाइक, ये 100% तय बात है। खुदा ना खास कोई एक बाइक धुआं दे देता है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करें, लेकिन न्यू बाइक जल्दी धुआं नहीं देता है। लेकिन पुराना बाइक में क्या था, हम नया ब्लॉक किट डाले, क्रैंक तो हम लेफ्ट पर से काम करवाते हैं, क्रैंक मेरा पुराना है, हेड पुराना है, सिर्फ हेड में हम बल्ब डलवाते हैं, तो बाइक कुछ ना कुछ इंजन बनाने के बाद ओवर हीट होता है। इसीलिए कस्टमर को बोला जाता है कि 500 किलोमीटर तक बाइक को रेस में नहीं चलाइएगा, स्लो में चलाइएगा। तो आप लोग करते क्या, इंजन बनाने के बाद तुरंत उसको फुल एक्सीलेटर दे करके चेकअप कर देते हैं कि बाइक कहूँ फिर से धुआं तो नहीं दे रहा है। गलती यहाँ पे आप कर रहे हैं, लेकिन बदनामी किसका हो रहा है, मैकेनिक का, यार कैसे बाइक को कम कर दिया, बाइक फिर से धुआं देने लगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी कुछ ना कुछ लापरवाही कर देते हैं जो बाइक धुआं दे देता है। इंजन का काम होने के बाद 500 से 700 किलोमीटर तक, हो सके तो 1000 किलोमीटर तक आप नॉर्मल बाइक को 40 से 50 के स्पीड में ड्राइव कीजिए। जब भी आप बाइक को स्टार्ट कर, ज्यादा एक्सीलेटर नहीं दीजिए, सिर्फ जितना आवश्यकता है बाइक को थ्रोटल देने का, एक्सीलेटर देने का, उतना ही एक्सीलेटर दीजिए। 1000 किलोमीटर तक चल जाने के बाद आप कैसे भी बाइक को चलाइए, कोई तब तक इंजन एडजस्ट हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लॉक पिस्टन के अंदर आप रिंग किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, अगर रिंग आप गलत इंस्टॉल कीजिएगा तो भी बाइक व्हाइट स्मोक देने का प्रॉब्लम रहेगा, धुआं देने का प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए आप नजदीक न्यू ब्लॉक किट है GN5, यहाँ पे देख रहे रैपर तक लगा है, यहाँ पे देख रहे हीरो का जेन्युइन ब्लॉक किट है, और बाइक सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर पर धुआं मार दिया। अगर धुआं मार देता है बाइक उस टाइम ब्लॉक के अंदर बोर नहीं करवा करके, नया पिस्टन नहीं डलवा करके, सिर्फ और सिर्फ आपको बाइक में करना क्या है, न्यू रिंग असेंबल चेंज कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए हीरो कंपनी का जेन्युइन STD रिंग है, स्टैंडर्ड साइज रिंग है। अभी इसके अंदर अगर हम बोर करवाएंगे 25 mm का बोर होगा, और जो हमारा धुआं मारता होगा ओवर हीट होने के पर रिंग ही फैल होता है, और कौन रिंग फैल होता है चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं। अगर रिंग का प्रेस कर बात कर ले तो यही समथिंग देखिए
235 रुपया भी है। GN5 स्टैंडर्ड रिंग का प्राइस है 235 रुपया है। चलिए हम इस रिंग को ओपन कर लेते हैं। तो टोटल आपको इस बाइक के अंदर देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे से अटैच हो गया है। 2 कंप्रेसर रिंग मिल रहा है और 3 आपको आयल रिंग मिल रहा है। एक लोअर आयल रिंग है, एक अपर आयल रिंग है, एक आयल एक्सपेंडल रिंग है जिसको हम लोग नेट वाले रिंग भी बोलते हैं, घुमा घुमा सा रहता है। तो चलिए आपको फटाफट से बतला है रिंग को हम लोग इंस्टॉल किस तरह से करते हैं जो बाइक में दोबारा धुआं ना दे, क्योंकि बाइक सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर चलने के बाद बाइक धुआं दे दिया था। तो चलिए हम फटाफट से बेलोक के पिस्टन के अंदर हम रिंग इंस्टॉल करके बाइक का इंजन को हम फिर से टेंट कर देते हैं। बाइक 100% व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अभी रिंग डालने के बाद फिर यह नहीं कि बाइक को रफ टेक देना है, 500-700 किलोमीटर तक आस्ते आस्ते चलाना है बाइक को, क्योंकि ओवर हीट होने के बाद जो है ना यही दो आयल रिंग है जो कट जाता है, इसका गैप ज्यादा बढ़ जाता है इंजन ओवर हीट होने के बाद और बाइक फिर से धुआं देने लगता है। फिर से आप मैकेनिक के पास जाते बोलते हैं यार कैसे इंजन का काम करते, बाइक तो फिर से धुआं देने लगा। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक का थोड़ा लापरवाही भी देखिए, इससे ज्यादा हम कस्टमर का लापरवाही देंगे। बाइक को तो मैकेनिक नहीं ड्राइव कर रहा है कौन, बाइक का कस्टमर। चलिए हम फटाफट से आपको बता रहे कि रिंग को किस तरह से इंस्टॉल करना है, जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लिखा है क्या IN, तो IN जो लिखा है इसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ। बहुत मैकेनिक को हम देखे हैं कि IN को दे देता है एग्जॉस्ट की तरफ इस तरह से पिस्टन फिट, कभी भी इस तरह से पिस्टन नहीं फिट कीजिए। IN जो लिखा है इसको ऊपर की तरफ दीजिए कार्बोरेटर तरफ, और GN5 यहाँ पे जो लिखा है ना GN5 ये रहना है नीचे की तरफ सिलेंसर की तरफ। तो सबसे पहले जो इस रिंग को आपको M बन में डॉट होगा, M बनाना है, W M बनाना है। तो M बनाने के बाद इसको गैप रखना है एग्जॉस्ट की तरफ, और वो भी बीच वाले हॉल के सामने रखना है, कात वाले हॉल के सामने रखना है, जो पिस्टन की इस हॉल के रखना है। इस तरह से आपको M बनाना है, देखिए M बन गया और इसका गैप देखा इस हॉल के पास। उसके बाद यहाँ एक जो आयल रिंग है, एक आयल रिंग को आपको देना है इसका गैप यहाँ पे इस तरफ, और वो भी देना इस कॉर्नर पे। देखिए हम कहाँ पे दिए हैं, एक गैप दिया है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कॉर्नर पे दे दिए। चलिए इस रिंग को हम इस तरह से आस्ते से सेटिंग कर लेते हैं। एक रिंग को हम यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते इसी का जो दूसरा आयल रिंग है उसका जो एक गैप देना है वो देना है जस्ट इसके अपोजिट कार्बोरेटर की तरफ, वो देना है यहाँ पे। ऊपर वाले रिंग को गैप दिया हम कार्बोरेटर की तरफ, आ यहाँ पे दिए हैं, देखें इस वाले पॉइंट पे दिए, और इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दिए इसको। इस तरह से एक बार आपको आगे पीछे करके स्क्रॉल करके चेकअप कर लेना है। देखिए यहाँ पे भी आप लोग गलती क्या कर देते हैं, रिंग को चेकअप नहीं करते, कौन टॉप वन है कौन टॉप टू है कोई भी रिंग कहीं पर डाल देते हैं। हमने इससे पहले इस बाइक में भी वही लोचा हुआ था कि टॉप वन रिंग था टॉप टू में, टॉप टू रिंग था टॉप वन में, ये भी मेथड रखता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप टू, जो टॉप टू रिंग है वो जाएगा नीचे वाले में, और उसका जो आपको गैप देना है इनलेट में यहाँ पे दिए, तो टॉप टू रिंग का जो गैप देना है वो इस तरफ देना है यहाँ पे इस कॉर्नर पे कार्बोरेटर तरफ इस कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पे देना है इस तरह से। देखिए टॉप टूरिंग को हम टॉप टूरिंग को सेटिंग करने के बाद इस तरह से एक बार आगे पीछे कर लेना टॉप टूरिंग को भी। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग करके टॉप वन, तो टॉप वन पे भी यहाँ पे लिखा है उषा टॉप वन, तो टॉप वन जो रिंग है जस्ट इसके सामने देना है एग्जॉस्ट की तरफ, वो भी सलेंसर की तरफ। टॉप वन रिंग है इसको हम यहाँ पे डाल दिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रिंग का जो काम था फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। अब सभी रिंग को एक बार हम इस तरह से आगे पीछे करके मूव करके चेकअप कर लेते हैं, कहीं रिंग अटक तो नहीं रहा है। उसके बाद आपको एक बार फिर से गैप को चेकअप कर लेना है। इस तरह से हमने रिंग जो फिट किया थे उसका गैप प्रॉपर सेंटर में है या नहीं, देखिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। टॉप वन रिंग का जो हम गैप दिए उस सिलेंसर की तरफ दिया है यहाँ पे दिए, इसी का टॉप टू रिंग जो है इसका गैप दिया हम कार्बोरेटर की तरफ और इस वाले कॉर्नर पे दिए। उसके बाद आयल रिंग का बात कर ले तो देखिए अपर वाले जो आयल रिंग है उसका गैप दिया हम यहाँ पे कार्बोरेटर की तरफ। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे नीचे वाले आयल रिंग का गैप दिया है एग्जॉस्ट की तरफ, वो भी नीचे में। जो हमारा आयल एक्सपेंडल रिंग है जो बीच वाले जो रिंग है उसका गैप दिया इस हॉल के सामने सलेंसर की तरफ। इस तरफ से जब आप न्यू ब्लॉक की डालते हैं उस टाइम भी इसी तरह से रिंग फिट कर सकते हैं हीरो होंडा GN5 में। अगर कुछ दिन चलने के बाद अगर आपका बाइक धुआं मार देता है
उसके बाद आप ब्लॉक में बोर नहीं करवा करके सिर्फ और सिर्फ रिंग चेंज कर दीजिए, 100% व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा आपका। चलिए आपको बाइक के पास चल करके भी थोड़ा आपको दिखलाते हैं कि बाइक का पार्ट जो है किस तरह से बिल्कुल ड्राइव हो गया है, क्योंकि बाइक के अंदर तो थोड़ा बहुत भी इंजन ऑयल नहीं था। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए हम लोग एक छोटे से मार्केट से, बिल्कुल छोटे से मार्केट में मेरा बिल्कुल छोटा सा वर्कशॉप है, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। अभी हम बाइक के पास चल करके आपको दिखला देंगे बाइक का पार्ट किस तरह से ड्राई है। देखिए बाइक हीरो हुंडा स्प्लेंडर प्लस है, हीरो हुंडा काफी पुराना बाइक है, जिस टाइम हीरो और हुंडा एक साथ था उसी टाइम का ये बाइक है। अभी तो हीरो अलग हो गया, हुंडा अलग हो गया, दोनों कंपनी अलग अलग हो गया है, लेकिन यहाँ पे हीरो हुंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक है। और यही वो बाइक है जिस बाइक का फुल इंजन का काम होने के बाद 600 से 700 किलोमीटर पे बाइक धुआं मार दिया, व्हाइट स्मोक देने लगा। तो आपको इससे पहले हम बताए कि टोटल प्रॉब्लम बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम के वजह से बाइक व्हाइट स्मोक देने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजन ऑयल नहीं होने के बाद बाइक का इंजन का आप कंडीशन देख किस तरह से ड्राई है। तो यहाँ पे अगर हम हेड का बात कर ले, हेड में देखिए कैम किस तरह से बिल्कुल ड्राई है, जल्द इंजन ऑयल कभी दिया ही नहीं गया, इस तरह से बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। अब क्या करना है इस बाइक को, हेड का तो अभी काम करवाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइक में 600 से 700 किलोमीटर व्हाइट स्मोक मार दिया फुल इंजन का काम होने के बाद। इस बाइक में अभी सिर्फ और सिर्फ हम बताएं कि रिंग चेंज करके बाइक का इंजन को फिर से हम फिट कर दीजिएगा और नया इंजन ऑयल जेनुअन डाल करके बाइक को स्टार्ट करके समथिंग आधा घंटा यानी कि 30 मिनट वैसे ही छोड़ दीजिएगा स्टार्ट करके नॉर्मल में, कुछ भी नहीं आपको करना, उसके बाद बाइक को चलाना है। कस्टमर को इंजन सीज होने से बच गया, 8 से 10 हज़ार रुपया लॉस होने से बच गया कस्टमर, यही समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।